नमस्कार दोस्तों, आप सबके इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऋषिकेश में स्थित रामझूला के पास मार्केट और रामझूला की नाइट का दृश्य जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है आपको दिखाने वाले हैं। हमारी एंट्री आज हो रही है ऋषिकेश में स्थित पार्किंग के, और पार्किंग का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, और जैसे ही हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमें काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा। रामझूला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको एडवेंचर और धार्मिक दोनों ही तरह के लोग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रामझूला से पहले जो मार्केट है और रामझूला के जो बाद मार्केट है, दोनों का दृश्य दिखाने वाले हैं जो कि काफ़ी शानदार है। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी सारा सामान है शॉपिंग करने के लिए। आप अगर शॉपिंग करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और रामझूला के नाइट के व्यू आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में देखने तो बनता ही है। चलते हैं रामझूला की ओर। रामझूला का हल्की फुल्की दृश्य देखने को यहाँ से मिल रहा है, लाइट जल चुका है और यहाँ से दृश्य देखने को मिल गया है। रात को जो दृश्य होती है रामझूला का काफ़ी सुंदर होता है, जैसे कि हमने पहले भी आपको दिखा दिया इस वीडियो में। हम ऋषिकेश में घूमने के काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, हमने ऑलरेडी इसमें वीडियो पहले ही बना रखा है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। हम सेपरेट अभी रामझूला के पास स्थित मार्केट और रामझूला के नाइट का दृश्य दिखाने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले ही कह दिया है, ये है रामझूला के पास स्थित मार्केट का दृश्य, काफ़ी शानदार मार्केट है और यहाँ से जो नाइट का व्यू है आप अभी देख रहे हैं। एक और जानकी ब्रिज और दूसरा और रामझूला, ये आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये रामझूला है। सामने पहाड़ का भी दृश्य काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, और अभी आपको दिखाई देने वाला है जानकी ब्रिज जो कि नया बना, काफ़ी शानदार है। इस ब्रिज में भी हम नया वीडियो लाने वाले हैं। इस ब्रिज में बाइक के आने वाले और बाइक जाने वाले और पैदल चलने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है जो कि काफ़ी शानदार है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्राउड होने की संभावना काफ़ी कम है। तो चलते हैं रामझूला की ओर। अभी हम रामझूला नहीं पहुंचे हैं, बस मार्केट में हैं। मार्केट का दृश्य आपको अभी दिखा रहे हैं। रामझूला के पास काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला है, और यहाँ पे अधिकतर श्रद्धालु आपको बुजुर्ग ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे परमार्थ निकेतन, गीता भवन ऐसे काफ़ी सारे धर्मशाला है जहाँ पे भजन कीर्तन और निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाता है, और यहाँ पे अधिकतर इसी वजह से बुजुर्ग यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, यहाँ पे एंट्री करने के दो द्वार, एक शॉर्टकट है, जैसे कि हमने आपको ऊपर को दिखाया है, वहाँ से डायरेक्ट आप पैदल आ सकते हैं। लगभग 200 से 250 सीढ़ी होंगी, आप आ सकते हैं। दूसरा मार्ग है जैसे कि हम लोग आ रहे हैं मार्केट से होके। हम लोग ब्रिज में अभी एंट्री कर रहे हैं, ब्रिज में काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है। आपको पता ही होगा लक्ष्मण झूला अभी बंद है, सेम ऐसा ही लक्ष्मण झूला भी है। लक्ष्मण झूला के पास अभी कांच की ब्रिज बन रही जो कि काफ़ी अद्भुत होने वाला है। लगभग अभी 3 से 4 साल का टाइम वहां पे लग जाएगा, उसके बाद यहाँ की दृश्य और भी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है।
अभी आप देख रहे हैं नाइट का व्यू झूले से, जो कि काफ़ी सुंदर है। काले काले बादल, शांत माँ गंगा की धाराएं और ब्रिज में चलते लोग। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे कैसे आए। अगर आप बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से रामझूला के लिए विक्रम टेम्पो की सुविधा मिल जाएगी। 20 रुपया पर पर्सन का किराया आपको देना होगा। और रामझूला के पास स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हमने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी स्टे के लिए। हम लोग रामझूला को क्रॉस कर चुके हैं। आप क्रॉस करने के बाद जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। और इधर से हम अभी 4-5 आश्रम भवन जा सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी नाम बता दिया है। वहाँ पे काफ़ी सारे धर्मशाला में निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाता है और काफ़ी सारे धर्मशाला में आपको पेड सुविधा है, जो कि काफ़ी शानदार है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं कैसी शानदार वीडियो के साथ। हर हर गंगे।